हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब सबसे पहले तो नीचे कमेंट में आप बताइए आपके यहाँ चुनाव हुआ तो क्या रुझान है क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है वैसे हमारे समाज में बहुत टाइप्स के लोग हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आसपास समाज को देख करके वो आंकड़ा लगा लेते हैं कि सरकार जो है इनकी बनने जा रही है या इनकी बनने जा रही है लेकिन ऐसा नहीं है आप सिर्फ़ न्यूज़ के माध्यम से या फिर आस पड़ोस के आ, मदद के माध्यम से आप नहीं बता सकते हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है हालांकि हमारे यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा गया है कि यहाँ पर आप किसी से भी पूछेंगे तो यहाँ पर 50 50 है 50 परसेंट लोग बोलेंगे कि भैया सरकार तो राजद की बनने जा रही है तेजस्वी यादव सरकार बनने जा रहे हैं तो वहीं कुछ लोग नीतीश कुमार को बोलेंगे तो वहीं कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम लेंगे जिनका कोई मकसद और मतलब नहीं है तो चलिए आप ज़रूर बताइए आपने वोट किया किसको किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं लेकिन रुझान क्या लगता है आपको क्या लगता है कौन सरकार इस बार आएगा किसकी सरकार बनने जा रही है चूँकि हम अपने चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड करते रहते हैं जिसमें हम आपको सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं जो कि बिहार से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे में भैया आपको बता दें कि अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी तो उन्होंने कहा है कि पहले ही कैबिनेट की के मीटिंग जो होती है जो भी हो उसमें दस लाख युवाओं को रोजगार देंगे तो कौन कौन से वो रोजगार होंगे कैसे अप्लाई करना होगा इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए होगा तब जब तेजस्वी की सरकार बनेगी तब अगर नहीं भी बनी अगर नीतीश कुमार की बन गई सरकार तो यहाँ पर भी नीतीश कुमार ने उन्नीस लाख नौकरी का वादा और भी बहुत कुछ जैसे ग्राम से सड़क जो है हाईवे तक लेकर जाना आपके नए नए जो है योजना सरकार के तरफ से आएगा या फिर जो अपना चल रहा है डीजल अनुदान जो अभी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है बंद पड़ा हुआ है बीमा हो गया किसान रजिस्ट्रेशन हो गया ये सारा कुछ अभी बंद है तो ये सारा कुछ हम अपडेट आपको देते रहेंगे फिलहाल अभी गवर्नमेंट की तरफ से यानी बिहार सरकार की तरफ से जो भी आपको सरकारी लाभ है वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही आपको अब मिलेगा और नई नई जो स्कीम आएगा योजनाएं आएंगी उसकी जानकारी आपको मिलेगा तो आपको इंतज़ार करना है दस तारीख का नवंबर दस तारीख का नौ को रुझान मालूम चल जाएगा लेकिन दस को कंफर्म भी हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताइए आप किसको पसंद करते हैं और आप किसे चाहते हैं कि बिहार की सरकार के रूप में यानी आप हमें अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइए और बताइए साथ में कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है रुझानों की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं लेकिन खैर चलिए अब कुछ अपडेट्स आपको यहाँ पर बता दें अपडेट्स यहाँ पर पहला ये है कि जिन्होंने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम जो है पास कर लिया था और उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था तो ऐसे में भैया आपको बता दें कि जो आपका पैसा है वो अपना प्रोसेस में दिख रहा होगा जो कि इलेक्शन के बाद ही कंप्लीट होगा यानी नई सरकार बिहार में बन जाती है तो आपको ये पैसा मिलेगा पंजीकरण की बात करें किसान रजिस्ट्रेशन की तो उसका भी स्थिति वही है साथ में जो डीजल अनुदान है उसका भी स्थिति वही है सारा कुछ अभी बंद पड़ा हुआ है तो जो भी बिहार सरकार की योजनाएँ हैं अभी जो है स्थगित है और नई कोई भी स्कीम अभी नहीं आया है तो इस चैनल पर अब आपको जो है कुछ अलग सीखने को मिलेगा आपको सीखने को मिलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप इस चैनल से और क्या सीखना चाहते हैं तो चलिए आशा करते हैं उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा था तो अब आपको एक तारीख से रेगुलर वीडियो कोशिश करूंगा मैं आपको दूं और तरह तरह के जो है योजनाओं के बारे में चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे वो बिहार की योजना हो उसके बारे में आपको जानकारी दूं आपको लाभ दूं लॉकडाउन से अगर जो लोग मुझे देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि मैंने जितनी भी सरकारी योजनाएं चाहे वो पाँच सौ रुपये का हो चाहे वो जनधन खाता का हो चाहे वो कोरोना सहायता का हो चाहे वो मेडिकल सहायता का हो चाहे वो किसी प्रकार की सहायता का हो चाहे वो ट्रेन की हो हमने कोशिश किया है कि आप तक सरकार की योजनाओं का सही मायने में लाभ पहुँचा सकूँ ठीक है और यही उम्मीद के साथ बस आ, मुझे विदा दीजिए नीचे सजेशन ज़रूर दीजिएगा अपना कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं और आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है ठीक है तो कोशिश करेंगे कि कल परसों से आपको कंटिन्यू कुछ सीखने को मिले इस चैनल पर बाकी पॉलिटिक्स की बातें चलती रहती है टेक्निकल के बारे में हम आपको बताते रहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताते हैं साथ ही साथ जो नई अपडेट्स हैं नई योजना है नई जानकारी है वो सबसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ तब तक के लिए विदा दीजिए टेक केयर एंड बाय बाय